चलते चलते चैनल में आज के विचार का विषय है एक अद्भुत वस्तु का वरदान। प्रिय दोस्तों, इस भौतिक जगत में हर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, हर कोई व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है, हर कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है और हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुरक्षित रहना चाहता है। आज मैं एक ऐसी वस्तु का वर्णन करना चाहता हूँ जो स्वस्थ रहने के लिए टॉनिक है। कभी कभी हमें स्वस्थ रखने के लिए वो एक उत्तम औषधि होती है और कभी कभी वो हमें स्वस्थ रखने के लिए एक अति उत्तम मल्लम का काम करती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो हमें सुंदरता प्रदान करने के लिए एक अति उत्तम आभूषण का काम करती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो हमें सुरक्षित रहने के लिए एक कवच का काम करती है, हमें असफलताओं से बचाती है, हमें दुखों से दूर रखती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो हमें सुख प्रदान करने के लिए गुरु का काम करती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो भगवान के वरदान के रूप में हमारे जीवन में आती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो कुछ ही पलों में हम धारण कर सकते हैं और यह एक ऐसी वस्तु है जो अनंत काल तक रहने वाली है। प्रिय दोस्तों, इस वस्तु का नाम है मुस्कुराहट। मैं आज सुजेस्ट करना चाहता हूँ एक ऐसी वस्तु जो कुदरत ने हमें बिल्कुल मुफ्त प्रदान की है, एक ऐसी वस्तु जिसके संबंध में हम कह सकते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति इतना अमीर नहीं है कि इसके बगैर रह सके। इस संसार में कोई भी व्यक्ति इतना गरीब नहीं है, अगर यह वस्तु किसी को दे देता है तो उसकी गरीबी पहले से बढ़ जाती है या उसके जीवन में कोई कमी आ जाती है। यह एक ऐसी वस्तु है जो चुराई नहीं जा सकती, एक ऐसी वस्तु जिसकी चोरी नहीं हो सकती, एक ऐसी वस्तु जो किसी से मांगी नहीं जा सकती। प्रिय दोस्तों, मेरा सुजेशन है आप इसको बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। कायनात में ये बहुतात में पड़ी है, इसकी मात्रा इनफाइनाइट है। बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, अपने जीवन में 3 कदम आगे बढ़ना है, बस आपको यह प्राप्त हो जाती है। सबसे पहला कदम है आपको पाप से दूर रहना है। दूसरा कदम है आपको पुण्य के कामों में लग जाना है और तीसरा कदम है अपने मन को पूर्ण रूप से निर्मल कर लेना है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि अगर आप पाप से दूर रहते हो, पुण्य में लीन हो जाते हो और मन को पूर्ण रूप से निर्मल कर लेते हो तो आपके पास यह कवच
अपने आप आ जाता है जो आपको स्वस्थ रखता है, सुखी रखता है, सुरक्षित रहता है और सुंदर बनाता है। प्रिय दोस्तों, आज मेरा निवेदन है कि आपके जीवन में वस्तुएं, चीज़ें, बड़ा घर, अधिकाधिक धन, एक बड़ा बिजनेस आपको आराम तो दे सकता है लेकिन खुशी नहीं दे सकता। मुस्कुराहट एक ऐसा आभूषण है, मुस्कुराहट एक ऐसी मलहम है, मुस्कुराहट एक ऐसा कवच है जो आपको जीवन में स्वस्थ देता है, सुंदरता देता है, सुख देता है और सुरक्षा देता है। आइए आज इस विचार को पकड़ें, खुद खुश रहें और लोगों को खुश रखें और अपने चेहरे पर सारा दिन मुस्कुराहट रखें और अपने दिन को आगे ले जाएं। धन्यवाद।